शैतान जो भी बुराई होती है ना उसको इतना प्यारा बनाता है कि आदमी को बुरा लगता ही नहीं। आज के दौर में नमाज छोड़ना किसी को बुरा नहीं लगता है। आज के दौर में हमारे नौजवानों का बैठ करके मोबाइल पर कैंडी क्रश खेलना नहीं बुरा लगता है, गेम है भाई, बुरा लगता है नहीं। बैठ करके सबवे ट्रेन के ऊपर दौड़ा, बुरा लगता है नहीं, अच्छा लगता है, उसको मजा आता है, उसके लिए एंटरटेनमेंट लगता है, उसको नहीं बुरा लगता है। गाली देना बुरा नहीं लगता है, जिना करना उसको बुरा नहीं लगता। क्यों? शैतान ने इतना प्यूरीफाई किया, इतना प्यूरीफाई किया है कि आज झूठ भी लोगों को बड़ा प्यारा लगता है, कितना का अच्छा काम किया। ये शैतान की कोशिश है। इस कोशिश में जो पड़ गया, इस धोखे में जो पड़ गया, उसने शैतान का रास्ता अख्तियार कर लिया। और शैतान कहाँ जाने वाला? जन्नत में नहीं, जहन्नम में जाने वाला है। अच्छा, शैतान के बारे में कुछ सोच भी सकता कि तौबा करेगा तो माफ? नहीं, तौबा का इम्कान ही नहीं है। अब उसके लिए तौबा है भी नहीं, खत्म हो चुका है। ऐसा भी मामला नहीं कि अल्लाह से कहे अल्लाह माफ कर दे, गलती हो गई थी, नहीं, खत्म हो चुका उसका चांस उसका गया। और वो दुनिया में हमें गुमराह करने के लिए आया है, बर्बादी के अड्डे पर पहुंचाने, जहां वो खुद जाएगा वहीं पर हमें भी ले जाने के लिए आया है। इसीलिए तो उसने अल्लाह से कहा था, अल्लाह जो तेरे नेक बंदे होंगे ना उन पर मेरा जोर चलेगा ही नहीं, लेकिन जो मेरे बंदे होंगे उनको आसानी से बहका लूंगा। तो आपको रमजान के बाद खबर आई होगी कि कितने सारे बंदों को शैतान ने किडनैप कर लिया है, मस्जिद में नजर ही नहीं आते, रमजान में बराबर नजर आ रहे थे, गायब हो गए। जैसे शैतान आजाद हुआ, खुद भी आजाद हो गए, खुद भी गुनाहों के अंदर मुलव्विस हो गए, शैतान के रविश पे चलना शुरू कर दिया। وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ।